हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं क्लास टेंथ में आपको एक लेटर लिखवा रहा हूँ, उसको ठीक से देख लीजिएगा, टेस्ट वगैरह में आ सकता है। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर सिस्टर्स मैरिज। अपने मित्र को एक पत्र लिखो जिसमें उसे अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करना है। तो इस तरीके से आपको ये लेटर लिखना है, मैरिज इनविटेशन है। तो किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर डियर रवि या जो आपका फ्रेंड का नाम हो उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप डियर लिखेंगे, उसके बाद जो फ्रेंड का नाम है उसको लिखेंगे, फिर यहाँ से चालू करेंगे। आई एम फाइन यर, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। आई एम होपिंग सेम फॉर यू, और आपके लिए भी वही आशा करता हूँ। स्टॉप लगाएंगे। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट, ये जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि माय सिस्टर्स मैरिज, की मेरे बहन की शादी हैज बीन सेटल्ड, वो सेटल हो गई है। इट इज़ ऑन 25 अगस्त 2021, ये 25 अगस्त 2021 को है। द वुड बी ऑफ माई सिस्टर, मेरे बहन का होने वाला पति, उसको बोलते हैं कोई होने वाला या होने वाली होती है, उसके लिए कुड बी वर्ड का यूज करते हैं। कुड बी ऑफ माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, मेरे बहन का होने वाला पति एक डॉक्टर है। एट सर्विंग इन लखनऊ मेडिकल कॉलेज, और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सेवा दे रहा है। फिर आगे लिखेंगे, आई विल बी हैप्पी इफ यू अटेंड, मैं प्रसन्न होऊंगा इफ यू अटेंड, यदि आप मैरिज को अटेंड करते हैं। फिर आगे देखिए, आई विल बी हैप्पी इफ यू अटेंड द मैरिज, यदि आप शादी को अटेंड करते हैं, भले शादी में आते हैं अपने माता पिता के साथ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर अराइवल, मैं आपका बहुत ही व्याकुलता से आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने आपके और आपके माता पिता। फिर आप लिखेंगे थैंक यू, लाइन चेंज करके, उसके बाद फिर लाइन चेंज करके यहाँ पे डेट डालेंगे, डेट जो भी आप डेट डालना चाहें, 16, 17, 18। फिलहाल मैंने यहाँ पर 16 डाल दी, 16 अगस्त 2021। और यहाँ पर डालेंगे जो आपका फ्रेंड है, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त, और फिर जो है यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड में जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो नाम वगैरह नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर एक्स वाई जेड करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप एक्स डालें या वाई डालें या जेड डालें या ए बी सी, जो भी एक लेटर हो उसको आप यहाँ पर डालें। तो इस तरीके से ये पूरा आपका लेटर हो गया, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आई होप आपको लेटर का पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप लेटर तैयार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।